और केजरीवाल वालों राघव चड्ढा की गिरफ्तारी वाले ट्वीट से सियासत बेहद पक्की हुई है। विरोधी धिर के आगू हुण प्रताप बाजवा का भी इस लेके बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो चड्ढा ने गलत काम किए तो की जानी चाहिए है गिरफ्तारी। तो दस दिए कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा वालों जो ट्वीट किए गए हैं खच्चे हुण जाहिर किए गए हैं। राघव चड्ढा की गिरफ्तारी हो सकती है, इस विचाले हुण विरोधियों भी मौका मिलेगा क्योंकि सियासत बेहद गरमाई हुई है इस पूरे मसले को लेकर। उत्थे प्रताप बाजवा ने इस बाबत बयान देंदा क्या है कि जो चड्ढा ने गलत काम किया है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए है। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गुजरात च आप की मजबूती वेख के भाजपा जी है वह भरी है डरी है। दस दे के जी तस्वीर सामने आ रही है हूँ एक नवा विवाद छड़िया है जिस न अरविंद केजरीवाल ने अज एक वड्डा बयान दिता। राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। उस तो बाद राघव चड्ढा का भी ट्वीट सामने आया कितना ना कि सीधे तौर से निशाना साध रहे सन अपने ट्वीट के जरिए केंद्र की सरकार से। हुण यह कहा जा रहा है कि जो गुजरात के इस वेले राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो हुण उन्हां दी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी हो सकती है तो जो चंगे काम करोगे ता ही बचोगे ना। जदों वेखो इहदा नायर फड़ लिया दिल्ली, उस तो बाद एक वड्डा ठेकेदार उत्थे होर सी उह फड़ लिया। पंजाब की तो सारी एक्साइज पॉलिसी जिहड़ी है वो राघव चड्ढे ते हरपाल सिंह चीमे ने बनाई है। भगवंत मान का सानू अजे पता नहीं पूरा, बट ये दो बंदे तो है ही ने। तो राघव चड्ढे वल अगला कुछ ना कुछ देखो इस गल दियां सारे काम केजरीवाल साहब नूं पहले ही पता होंदे। इसे गल कर उन्हां को महकमा अपने कोल रखे। राघव चड्ढे ने गलत काम किया तो जरूर गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी जिहड़ी है अज घबराई हुई है। पंजाब च जित तों बाद जिस तरह गुजरात ते हिमाचल च आम आदमी पार्टी की चढ़त हो रही है, लोकप्रियता जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ रही है, उहदे तो बाद लगातार मनीष सिसोदिया जी नूं तंग परेशान किया गया। वो मंत्री वो शिक्षा मंत्री जिन्हें अज शिक्षा इलैक्शन दे विच मुद्दा बनाया, तुसीं देखो भी जिहड़े सूबे च आम आदमी पार्टी नहीं भी इलैक्शन लड़दी उत्थे भी अज मजबूरी बन गई सारिया सियासी पार्टियां की कि वह शिक्षा तो एजुकेशन की गल कर लगे। जो गल कर लगे है तो मनीष सिसोदिया करके कर लगे है जी सारी दुनिया जानती है तो उन्होंने पिछे पै गए। उस तो बाद विजय नायर वो विचार की कसूर है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सतेंद्र जैन जिन्होंने हेल्थ च इन्ना काम किया हूँ राघव चड्ढा जी ने भी इस करके जिहड़ा अरविंद जी ने कहा क्योंकि उन्होंने पता है कि पंजाब की इलैक्शन दे विच राघव जी का बहुत वड्डा योगदान सी सरकार बनाने के हूँ उन्होंने गुजरात की जिम्मेवारी दिती हुई है। इस करके क्योंकि जोड़े टैलेंटड बंद भी काबिलियत है भी इतने आके गुजरात बहुत इफेक्ट पेगा उन्होंने नाल, इस करके बीजेपी घबराई हुई किसी भी गिरफ़्तार कर सकती है। सी बी आई ईडी हथियार बना के आम आदमी पार्टी दवाने वरत रही है, पर जिन्हों मर्जी गिरफ़्तार कर लैन कुछ कर लैना। ये लड़ाई जिहड़ी है पंजाब च भी पंजाब दे लोकां ने लड़ी है, गुजरात च भी गुजरात ते हिमाचल च हिमाचल दे लोकां ने लड़नी है जे आम आदमी पार्टी दी होनी है। सो इस वेले सियासत बेहद गरमाई हुई है। रविंदर मीत साडे नाल जुड़ चुके ने। रविंदर बेहद इस वेले सियासत गरमा रही जिस नाल बयान अरविंद केजरीवाल दा ते ट्वीट राघव चड्ढा दा भी सामने आया। बिल्कुल देखो ये जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ने ते आम आदमी पार्टी के संयोजक ही उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि गिरफ्तारी हो सकती है राघव चड्ढा की क्योंकि गुजरात के इलैक्शन ने सह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। साडे नाल इत्थे राजकुमार चल जी ने हाउस के डिप्टी लीडर ने विरोधी धिर के चब्बेवाल साहब बड़ा खदशा जताया गया कहिंदे कि बीजेपी कार्रवाई करनी चाहती है क्योंकि गुजरात के बड़ा वड्डा आधार बन गया आम आदमी पार्टी। देखो अज मैं समझदा कि जिन्ना भी अज सदन भी पंजाब दे विच चलाया गया ये सिर्फ चाहे केंद्र सरकार होवे या केजरीवाल सरकार एक महज स्टंट चल रहा। तुसीं देखिया सर्कस चल रही है। तुसीं देखिया होना कि इस सैश इस सदन की जरूरत सी नहीं जरूरत सी लिया गया कॉन्फिडेंस मोशन असीं लिया जी लोगों को दस दी जी साढ़े के MLA बकाऊ नहीं सिर्फ एक जद के इन्हों की स्ट्रेंथ तो पूरी आ जोड़े इल्जाम ने दस विधायक दस इन्हों जे MLA ने उन्होंने सी। सो दूसरी गल जी है जिस तक गिरफ्तारियों का सवाल है जेकर केजरीवाल साहब का खदशा है वो ठीक भी हो सकता। मैं ये नहीं कहना देखो जी क्योंकि ये जी साडे आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है वो कि भ्रिष्टाचार जोड़ा वो जीरो टॉलरेंस भ्रिष्टाचार असं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। बाकी जो भ्रिष्टाचार के दोष ने तो केंद्र सरकार जरूर जी अरैसट करेगी। और दूसरी गल मैं कहना चाहता
ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ऑडियो जी वायरल हो रही है और उस ऑडियो से जी कोई गल ही नहीं की जा रही। असी तो बरखा देखो अज जो कहते भी सदन के हंगामा हो रहा वैसे भी इन्हों को मुद्दे का कोई है नहीं, इन्होंने सिर्फ सैशन बनाने लिए तीन मुद्दे नाल लिख के वो ले लिया कॉन्फिडेंस मोशन तो उदों भी गल नहीं चलो हो गया। दिल्ली से जो भांबड़ मचिया एक्साइज पॉलिसी को लैके बड़ा पंजाब की पूरे देश लैवल से बड़ा ज़्यादा भांबड़ मच गया सेक हुण कहिंदे पंजाब तक भी पहुँच रहा इंटरकनैक्ट है कनैक्ट हैगी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पंजाब की एक्साइज पॉलिसी एक बड़ा व्डा आगू आम आदमी पार्टी का जरा पूरा मैनेज करता सी मीडिया मैनेजमेंट कह लो या फिर मीडिया का सारा काम देखता सी वो गिरफ्तार हो गया उस बाद परत दर परत खुलन लग गई हुण कहिंदे राघव चड्ढा गिरफ्तारियां हो गईयां उस तों बाद वड्डे शराब कांड। देखो एक्साइज पॉलिसी जिहड़ी है बेसिकली उहदा कोई लियाण दा तुक नहीं सी, एक्साइज पॉलिसी तां अपने जिहड़े कुछ इन्हां दे साथी ने उन्होंने लाभ देने लई जिहड़ियां कुछ एक दो इन्हां दे जिहड़े पार्टनर्स ने उन्हां नूं सिर्फ लाभ देने लई एक्साइज पॉलिसी लियांदी गई और उत्थों दे जिहड़े जिहड़े एल जी ने जिहड़े लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्होंने जोड़ा खदशा जाहिर किया उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट लिखा भी ये बेनिजमिया हुई सो जेकर वो एल जी लिख रहा भी बेनिजमिया हुई तो जड़ी भी इनकुआरी वी शुड फेस इट। धन्यवाद जी गल करें ये तो हम मंत्री जो है कि ना सरकार दे उन्होंने गलबात भी करा राघव चड्ढा के नाम से लगातार गल कही जा रही कि उन्होंने गिरफ्तारी की जा सकती है साढ़े नाल जतन सिंह जोड़ा माजरा जी ने मंत्री साहब खदशा जताता कहें केजरीवाल साहब कहें कि गिरफ्तारी हो सकती है बीजेपी लगातार वेंडेटा कर रही है इस तरीके की गलबात हो रही है। देखो असी तो पहले कह रहे हैं कि जिहड़ी बीजेपी ऑपरेशन लोटस वो चला रही है सो उन्होंने कांग्रेस ने भी किन्नी थामे जिहड़ी सरकार तोड़ी है आ देख लो तुसी महाराष्ट्र दे विच तुसी देखो शिवसेना उन्होंने उहदे थल्लों जमीन खिंच ली और हरियाणा दे विच तुसी देख लो जे जी पी नूं तोड़न करारे कीता होया और कर्नाटका च गोवा च 8 एमएलए खरीद ले कांग्रेस दे उसे दी आना सो वो हर एक हथकंडा अपना रहे ने चाहते ने कि देखिए गुजरात दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने पर गुजरात दे लोग पूरे बहुमत दे नाल गुजरात दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए क्योंकि पिछले दिन ही जिहड़े राघव चड्ढा जी ने उन्होंने ड्यूटी है जिहड़े गुजरात च सह प्रभारी दे तौर हाँ सह प्रभारी दे तौर सो वो चाहते ने कि उन्होंने उत्थे किवें ना किवें भजाया जाए सो उन्होंने दबका के दबकाया जाए डराया जाए धमकाया जाए पर आम आदमी पार्टी का कोई छोटा जा सिपाही भी जिहड़ा डरूगा नहीं घबराऊगा ना परचे तो ना होर किसी उन्होंने तानाशाही तो डरूगा असी आम आदमी पार्टी के सिपाही अरविंद केजरीवाल दस्यो एक चीज़ दस्यो कि कितों एकदम निकल आती है गल कोई ऑपोजिशन नहीं कहता कोई कोई नहीं कहता तुम अपने आप ही कितों निकल आती कहीं केजरीवाल साहब कह देंगे ने कि एवं होने वाला राघव चड्ढा गिरफ्तार होने वाला कहते भगवंत मान साहब कह देंगे विजय सिंगला साढ़े भ्रष्ट से कितों निकल कितों अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वह कदम गलत होया वो सारा सच होया क्योंकि क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी होने वाली है बीजेपी की हर एक चाल का उन्होंने पता है कि किमें उन्होंने किमें किस तरह किनू टारगेट करना कहती है कि तुहानू सारा पैटर्न उन्हां दा पता है बीजेपी नू भी सारा तुहाडा पैटर्न पता है तुहानू भी बिल्कुल सो जिस दे नाल अरविंदर तमाम जिहड़े आगू ने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे ने लेकिन सियासत इस वेले गरमांदी जा रही है भाजपा के आगुओं वालों भी इस नू लैके प्रतिक्रम जिहड़े ने सामने आ रहे हैं केजरीवाल ने राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का जो खदशा जाहिर किया उस नू लैके हुण सियासी बवाल जिहड़ा है वह जरूर मच गया दस दिए कि जिस नाल भाजपा आगुओं वालों भी प्रतिक्रिया तैयारी मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसको लेके की कुछ किया वो भी अपने दर्शकों को दिखाने हैं। तो राघव चड्ढा बारे केजरीवाल सच बोल रहे ने दस दिए कि यह जो सियासी बवाल हूं खड़ा हो गया केजरीवाल को पता है कि राघव चड्ढा ने पैसे इकट्ठे किए ने यह हूं मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया कि मैनू पता लगा है कि राघव चड्ढे नू भी शराब घोटाप घोटाले च अरैसट करनगे कौन उन्होंने दसदा है ये तो मैनू नहीं पता पर एक गल बड़ी स्पष्ट आ कि जिन्हां जिन्हां ने पैसे ले आ इन एंटीसपेशन अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने खुद ही नाम दस देंदे ने क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी नू ते पता है ना कि पैसे कौन कौन इकट्ठे कर रहे हैं इस तरह मनीष सिसोदिया का नाम लेंदे सी क्योंकि उन्होंने पता सी मनीष सिसोदिया ने पैसे ले रखे है तो कार्रवाई हो सकती है हुण राघव चड्ढे का नाम लैण का मतलब बड़ा स्पष्ट आ कि अरविंद केजरीवाल जी जानते ने जिहड़ी गल असी कह रहे सी अज वो भी अरविंद केजरीवाल भी मन गए कि राघव चड्ढे ने शराब के पैसे ले ने अनंत वाइंस नूं कम दवाया ब्रिंडको नूं कम दवाया किस तरीके राज्यसभा दीआं सीटां वेच के पैसे इकट्ठे किए जिहड़ियां चेयरमैनियां वेचियां मंत्रालयां वेचे एमएलए टिकटां वेचियां अज सारा लैण देण राघव चड्ढा पैसे का कर रहे हैं इस करके अरविंद केजरीवाल जी नूं पता है अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान जी का नाम क्यों नहीं लिया
अरविंद केजरीवाल जी ने चीमा जी का नाम क्यों नहीं लिया फाइनेंस मिनिस्टर का, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के प्रभारी का नाम क्यों नहीं लिया, सह प्रभारी का नाम क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने पता है कि प्रभारी ने पैसे भी नहीं ले। जिस बंदे ने पैसे ले ने अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही उसका नाम जाहिर करता, अज सो लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने आप ही दसता कि कौन कौन पैसे इकट्ठे करते पे ने, राघव चड्ढा नाम अरविंद केजरीवाल जी खुद ही ले जा रहे हैं पैसे अंदर। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। बिल्कुल देखो, साढ़े नाल इत्थे देव मान ने, उन्होंने गलबात करांगे कि आखिरकार पूरे मामले दे विच की सोचते हैं। एक सवाल तुहानू ये हैगा कि कई चीज़ा जिहड़ियां हैगियां खुद ही पार्टी क्रिएट कर देंदी, ऑपरेशन लोटस किसी ने नहीं कहा, पार्टी ने खुद ही कहता कि ऑपरेशन लोटस चल रहा जी। ये गल भी पता नहीं कितों निकल के आ गई, कहिंदे राघव चड्ढा की गिरफ्तारी हो जानी, किसी ने कहा नहीं, ना किसी बीजेपी ने कहा, क्या किसी ने कहा, एकदम अज ट्वीट करता कहिंदे राघव चड्ढा की गिरफ्तारी हो जानी है। माजरा लगता की है गल? देखो गल ये है, एक हथ ना ताड़ी कदे नहीं बजदी। अगर कोई इदां दे सिम्पटम नज़र आउंदे आ जां कोई इदां दा कुछ हैगा जिथे कमलनाथ चीफ मिनिस्टर सीगा हटा के उन्हूं कौन लाता जी, शिवराज चौहान लाया कि नहीं लाया। एक मिनट एक मिनट, मेरी गल सुन लो सर, मैं मिशन लोटस की गल कर रहा, उत्थे की कीता बीजेपी ने जी, ये किहड़ा मिशन सीगा, चले चलो बिहार दे विच, बिहार दे विच की होया जी, तां नितिश नूं देखिया वी हुण काम खराब हो रहा, मेरे बंदे तोड़ रहे आ, ते ओह दूजे पासे रल के फिर दुबारा सीएम बण गए। गल इक मिंट इक मिंट अगे चलदे आ, चीजां होलियां पहलां होलियां नहीं सर जी, अगे दो कदम इतिहास इतिहास लिखियां गईयां। महाराष्ट्र च की होया जी, महाराष्ट्र च की होया, कई स्टेटां च इक इक दो दो बीजेपी दे एमएलए सीगे, उत्थे सरकार दूजी दूजे विरोधियां दे इहनां ने एमएलए सरकार दे एमएलए तोड़ के सरकारां बना लीआं। तुहानूं पता किवें लगदा, मैं सवाल इक तां तुहानूं पता किवें लगदा वी आह होण वाला हुंदा बाद च हुंदा वी? गोवा च, गोवा च कांग्रेस दे 8 एमएलए गए कि नहीं गए बीजेपी च, सारी दुनिया नूं पता कि नहीं पता जी? महाराष्ट्र च की आ सारी दुनिया नूं पता कि नहीं पता? एमपी च की आ सारी दुनिया नूं पता कि नहीं पता जी? हरियाणे च की चल रिहा? यानी गुजरात तुहाडे इलैक्शन प्रभावित करना चाहुंदी है बीजेपी, हुण मुकदी गल इह हैगी। सच्चाई जिहड़ी आ ना जी उह इह आ, सच्चाई यह है कि जिहड़ी तुसीं राघव चड्ढा की गल की है ना, उहदी कड़ी यह जुड़ती है कि गुजरात के विच ग्राउंड लैवल ते जिहड़े सर, ना तो उत्थे अकाली दल है जी, कांग्रेस भी है नहीं जी, सुपड़ा साफ है, उत्थे कोई नहीं। आम आदमी पार्टी वर्सिज बीजेपी लड़ाई है, आम आदमी पार्टी दिन बाय दिन उत्थे ग्रो कर रही है। अरविंद केजरीवाल का स्कूलों का कॉन्सेप्ट, हस्पतालों का नहीं नहीं पता लग ही जाना, मैं तो कहना इलेक्शन ही पता लगना, जिम्मे 22 की इलेक्शन पता लगे ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी गुटका साहब की सहु खा के बाद राजनीति हो गई, मैं लोगों के ना सेंटीमेंटल खेडन की गल है जी, एक जिन्हें खेडी है रिजल्ट भी एक्साइज पॉलिसी इंटरकनेक्ट हैगी, पंजाब की एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी, एक ही बंदा सब सैटलमेंट करता, एक ही ठेकेदार ने सुपर एलवन बनाया, वह भी एक ही बंदियां नूं मिलिया, पंजाब च भी दिल्ली च भी, वो कहिंदे कनेक्शन तो इत्थे आ, गुजरात नूं तां भी जोड़ी जांदे। पॉलिसी पढ़ी तुसीं? मैं पॉलिसी पढ़ी होगी, मेरे पर मैं तां बीजेपी दी गल कर रहा। पॉलिसी जिहड़ी बिल्कुल ईमानदारी नाल बनाई गई है, पॉलिसी ये सी कि एक मिनट जिहड़ा पुराना नेक्सस चले आ रहा सी लंबे समय तो शराब के ठेकियां दे विच, वो कहिंदा जी असी निजी लैनी है ठेके ते असी असी पिछे हट गए जी, सारे हट गए पिछे, हुण उही पॉलिसी दे विच हुण खब्बे सज्जे हुण फोन कराउंदे सानू वी इंटर करो जी, क्यों बाहर एक्साइज डिपार्टमेंट दे बाहर बैठे रहे धरना लाया तीन दिन, धरना ला के फिर हुण विच इंटर होण दी कोशिश कर रहे वी सानू दुबारा विच लै लो। जिहड़े पहलां गफ्फे मिले आ ना, पहलां गल समझण दी कोशिश करो, जिहड़ियां पिछलियां सरकारां च गफ्फे मिले आ ना, जिहड़े जिहड़े पहलां गफ्फे मिले हुण नहीं गफ्फे मिलने, हुण तां तुहानूं जिहड़ा तुहाडे गफ्फे खाधे आ तुहाडा जिन्ना परसेंट बीजेपी दे रूप है, ये बीजेपी दे, ओह बीजेपी कहिंदे ओह कहिंदे गफ्फे खाधे आ, सिमरजिंदर सिरसा कह रहे ने ओह बीजेपी जिहड़ा गृह मंत्री अमित शाह दा मुंडा जिहड़ा ते अरबां खरबां रुपईए अकाउंट च पता नहीं कित्थों आ गए, कोई हिसाब किताब नहीं उहदा, ओह जी बीजेपी जिहदे खाते दे विच 41,000 करोड़ तों उपर कैश पिया जी, ओह बीजेपी गल कर रही है जी, ओह बीजेपी जिहड़ी कहिंदी सी कि 15-15 लाख देंगे असीं, किसी ने एक नवां पैसा नहीं मिलिया, वह बीजेपी जिहड़ी स्मृति ईरानी सिलेंडर लैके प्रोटेस्ट करदी सी बड़ा महंगा हो गया 700 रुपये का सी, ते हुण सिलेंडर किन्ना हो गया, हुण कित्थे गई स्मृति ईरानी, वह बीजेपी जिहड़ी कहिंदी सी देश नूं असीं मेक इन इंडिया बना देंगे, वह बीजेपी जिहड़ी कहिंदी सी असीं इत्थे बुलेट ट्रेन चला देंगे, वह बीजेपी कहिड़ी बीजेपी की गल करदे हो सर? बीजेपी की देश च सरकार है डबल, कहिड़ी बीजेपी की गल करदे हो सर? कहिड़ी बीजेपी की गल करदे हो? जिन्नियां 7,000 के आस पास ट्रेनां ने पूरे देश 7,000 के आस पास ट्रेनां ने, सारे उपर कब्जा बीजेपी वाले ने किया है,
करोड़ा रुपये का। हुण दसो तुसी अगला एक्शन की है तो दो, चलो पिछे गल्लां हो लिया, हुण अगे कोई प्रदर्शन तुसी करन जा रहे हो? तुहाडा बहुत वड्डा लीडर है पंजाब दे विच, राघव चड्ढा दा नाम है, कहिंदे कि सुपर सीएम है, सीएम तो भी उत्ते आ, कोई करन जा रहे हो? देखो जे कोई इदां दी गल आउंदी आ सामने, जिवें दुर्गेश पाठक होरां दे उपर ईडी दा नोटिस आ गया दिल्ली दे विच, क्यों? क्योंकि दुर्गेश पाठक मौजूदा MLA है और MCD दी इलैक्शन सिर ते खड़ी आ, दुर्गेश पाठक एक के बहुत ने उत्थे और सब नूं नाल जोड़ रहे आ जी। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸੀਗੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।